were working in the newsletter committee, right? Yes. So how this whole thing, how this whole experience is working to excel in your field in filing the news and the whole newsroom experience you are getting, in-hand experience, how this exposure, how this fest is helping you to excel in the field of journalism? Actually, it's always good to be a part of Nawaz's team, because when you work with him, you get to learn ample of new things. सुनो, सिनेमा इज अवार्ड रे सबमिट में लिख दो कि फिल्म स्क्रीनिंग फ्रॉम जो जो देश है. How this newsroom experience, live hand experience which you are learning in your classroom outcomes, classroom learning, how this will help you to excel further in the field of mass communication and journalism? अब अभी जैसे live नीचे हमारा show चल रहा है and हम लोग नीचे से cover करके आए, ऊपर आके उसे वापस एक professional way में put करना एक article में या फिर एक newsletter में, वो बहुत help कर देता है हमारे आगे के work के लिए. मेरा experience काफ़ी अच्छा रहा, जैसे कि हम लोग को नीचे इवेंट्स चल रहे हैं तो उसके वो हम लोग को कवर करने भेजा जा रहा है, वहाँ पे हम लोग इवेंट कवर कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स पता चल रहे हैं कि हमें कैसे इवेंट कवर करना है, कैसे उसको रिपोर्ट करना है और कैसे उसको फॉर्म न्यूज़ फॉर्मेट में लिखना है. तो यहाँ पर बाहर से बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं जिनको सुन के, जिनको देख के, जिनको ऑब्जर्व करके हम बहुत सी चीज़ें यूं ही सीख जाते हैं शायद, जो हम क्लास में बैठे बैठे नहीं सीख सकते. और जब हम न्यूज़लेटर की कमिटी में मेंबर बन के वो काम करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे स्किल्स है, वो और भी ज़्यादा शार्प होते हैं. देखिए, जो फेस्टिवल है, खास करके ग्लोबल फेस्टिवल, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैं अपॉर्चुनिटी इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये वो मौका है जहाँ पर उन्हें वो प्रैक्टिकल्स करने का मौका मिलता है, जो वो क्लास में अब तक थ्योरेटिकली पढ़ते आ रहे हैं उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल मोड पर वो करते हैं. जैसे मेरी टीम है वो न्यूज़लेटर में काम करती है, हम इन 3 दिनों के फेस्ट में डेली एक न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं. तो जैसे इंडस्ट्री में, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में वर्क होता है कि मॉर्निंग मीटिंग में स्टोरी एलोकेट करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स जाते हैं, स्टोरी को कवर करते हैं और शाम स्टोरी को लिख कर दे देते हैं, जिसके बाद एडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद न्यूज़पेपर की लेआउटिंग होती है और रात तक हम न्यूज़लेटर को तैयार करते हैं जो अगले दिन सुबह आता है और इसी फेस्टिवल के किसी इवेंट में उसे रिलीज किया जाता है. तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप उन डेडलाइंस के प्रेशर को हैंडल करना सीखते हैं जो आपको इंडस्ट्री में जाके फेस करना होगा. और साथ ही साथ एक इंटरैक्टिव सेशंस बहुत सारे होते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, तो स्टूडेंट्स उनसे सीखते भी हैं और साथ साथ उन्हीं चीज़ों की रिपोर्टिंग करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये ग्लोबल फेस्ट एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. We were with the Dean of School of Journalism and Mass Communication, Dr. Syed Nawaz Ahmed sir, and this golden opportunity will give students the whole new experience how to work in a newsroom, and this will give them an in-hand experience of the whole news environment. With video journalist Nitish Srivastava and Mamishra, R24/7, Noida.